हमारा प्यारा देश भारत अभी वर्तमान में आने वाले समय में अपने बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से बहुत ज़्यादा घिरने वाला है। पहला नेशनल इनेमी पाकिस्तान है, इधर आपको चीन है, तो दो मोर्चे खुले हुए हैं और एक हाफ मोर्चा जो है भारत के जो आंतरिक हैं पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इंडिक गैंग है, वो तो खैर है ही, लेफ्ट लिबरल्स का गैंग है, वो तो खैर है ही, तो इससे राजनीतिक पार्टियां और इस देश की जनता लड़ रही है। एक और मोर्चा खुल रहा है, आप देखिए ये जो बांग्लादेश का इलाका है, अब यहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, इनका अब पूरी तरह से कब्जा हो गया है। तो चिकन नेक वाले इलाके पे सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये 25 से 30 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं, ये 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है, सबसे बाउंड्री है, यहाँ पे अवैध घुसपैठ की ज़्यादा संभावनाएं हैं, ड्रग तस्करी की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो नया स्टेट बन रहा है, ईसाई बहुल एक देश बन रहा है जोगम, उससे क्या होगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के ईसाई बहुल राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा अस्थिरता पैदा की जाएगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि भारत को ये नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ के अलग किया जाए। इसमें चीन का भी हाथ है। यहाँ पे देखिए ये चुंबी घाटी है, ये बीच वाला इलाका जो देख सकते हैं सिक्किम और ये भूटान के बीच, तो यहाँ से इसकी दूरी बहुत ही कम है। ये जो आपको चिकन नेक का इलाका कहा जाता है, इसको कब जाना, क्योंकि यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा तो हम इससे दूर हो जाएंगे। पहले शेख हसीना की सरकार थी तो 20 से रास्ते दिए जाते थे ताकि हम इस इलाके तक पहुँच जाएँ, अब ऐसी उम्मीद करना धोखेबाजी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारत का एक और नया मोर्चा यहाँ पे खुल चुका है, बांग्लादेश, ये जो जोगम स्टेट है ये भी, तो एक दो, तो भारत की सेना आप समझिए इस वाले लाइन पे भी है, यहाँ भी है, और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा जो है वो तो है ही। और एक और बांग्लादेश वाला मोर्चा, एक नया जोगम स्टेट जो बनेगा ईसाई बहुल, ये भी एक नया मोर्चा। और अगर अमेरिका इस इलाके में आता है तो कहीं ना कहीं हमें हिंद महासागर में भी अपने कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को अपने जो एक्सटर्नल इंटरनल मैटर में उलझा कर रखना चाहता है, जिससे यह देश तरक्की नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका है भारत की डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा जलता है, इसे रोकना चाहता है।